हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रे ऑप्टिक्स का एक सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आज वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, व्हेन द लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे क्या हुआ, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में जनरली आप 10th क्लास तक ये पढ़े होंगे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट्स बेंड फ्रॉम इट्स पाथ और डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता भी है, डेविएशन होता भी है, और कुछ केस में डेविएशन नहीं भी होता है। जैसे आप जानते ही हैं कि यदि नॉर्मली इंसिडेंट हो, लाइट यदि इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट्स करे तो उस सिचुएशन में जो क्या होता है, लाइट अनडेविएट पास होता है। तो आप यदि ऐसे डिफाइन करोगे तो उसको हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन some of its properties such as wavelength, velocity, gate change, such phenomenon is called refraction of light. तो हम लिखेंगे refraction of light. refraction of light. तो क्या लिखेंगे? When light traveled from one medium to another medium, then some of its property, then some of its property properties, यहां लिख देता हूं wavelength and velocity, wavelength and velocity gate change, ठीक है। When light traveled from one medium to another medium, then some of its properties such as wavelength and velocity gate change, this phenomenon is called refraction of light. क्या होगा इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं, आगे हम इसको प्रूफ भी करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक इंटरफेस टर्म होता है। इंटरफेस क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये क्या हुआ है, प्लेन है, ठीक है, या वॉल। वॉल को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल जो है वो क्या कर रहा है, रूम के आउटसाइड पार्ट और इनसाइड पार्ट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। उसी तरह ही क्या होता है, इंटरफेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि इट इज द प्लेन विच सेपरेटिंग द टू डिफरेंट मीडिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब मान लो कि लाइट, तो यही क्या है, यहां देखो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये मान लो एम वन है, मीडियम वन, और ये क्या हुआ, एम टू। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा, रे क्या होगा, अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो यहां देखो ये क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट है। क्या है? नॉर्मल इंसिडेंट है। आगे पढ़ेंगे तो दिस इज क्या हुआ, इंसिडेंट रे। दिस इज क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो इंसिडेंट रे क्या है, अनडेविएटेड। हम बोल सकते हैं इसको क्या है कि रे क्या है, अनडेविएटेड पास हुआ।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस मीडियम में और इस मीडियम में आप देखोगे कि वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। यदि इस मीडियम में V1 है तो इसमें V1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, V2 रहेगा। यदि आप कर्व सरफेस की बात करोगे, आई मीन ऐसे सरफेस है या प्लेन सरफेस ही कंसीडर कर लो, अब यदि रे क्या होगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा, देखो यही नॉर्मल हुआ है ना, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये रे क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ऐसे वो डिपेंड करता है, आइदर नॉर्मल के टूवर्ड्स होगा, क्या हो जाएगा, अवे होगा। तो देखो ओरिजिनल पाथ क्या है इसका, ये M1 मान लो, ये दिस इज मीडियम 1 और दिस इज मीडियम क्या है 2, ओरिजिनल पाथ ये। अब देखो ये मीडियम के वजह से, ये मीडियम डिफरेंट मीडियम के वजह से क्या हुआ, यहां लाइट ने अपने डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया, लेकिन यहां लाइट डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा था, इसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे और इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, इंसिडेंट रे दिस इज, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, बाद में हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहां रे क्या हुआ, डायरेक्शन अपने ए इनिशियल डायरेक्शन हुआ, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट मीडिया क्या हुआ, अब रे जो है वो क्या है, अपने डायरेक्शन को क्या किया, चेंज कर दिया, तो इसलिए इसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, इसको भी हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आया ना, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है क्या होगा, वो डेविएट भी होगा, आई मीन द डायरेक्शन ऑफ लाइट विच मे और मे नॉट चेंज, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि क्या होगा, व्हेन द ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज गेट चेंज। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ड्यूरिंग द ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी आई मीन कलर विल नेवर चेंज। तीन दो पॉइंट आपको लिखना है, यहां नोट में लिख लेना है ना, कि इन रिफ्रैक्शन क्या होगा, इन इन रिफ्रैक्शन पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मे और क्या होगा, मे नॉट चेंज, मे नॉट चेंज। समझ में आई बात, रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, कि क्या है कि वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज गेट चेंज, क्या होगा, वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्डा इसको बोलते हैं, एंड क्या होगा, एंड वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज गेट चेंज। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये पूछा भी जाता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कलर, आई मीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कलर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि कलर किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होता है, क्या है, कभी नहीं होता। अब देखो क्या है, अब मैंने ये बोला कि वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, वन मीडियम से अदर मीडियम में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, अब कितने फैक्टर से चेंज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ आई मीन क्या होगा, नेचर ऑफ द क्या होगा, टू पेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या टू नेचर ऑफ द टू पेयर ऑफ द मीडियम, इन दोनों मीडियम के नेचर पे क्या होगा, डिपेंड करता है, क्या चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होगा, क्या होगा, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या है, दो पार्ट में, पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो यार, अब यहां हम क्या लिखेंगे, देखो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बात समझ में आया कि जब क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितने फैक्टर से उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, उस फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ टू मीडिया बोलते हैं, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला जो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको देखो हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, एन और क्या है, कोई एक सिंबल से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एन और म्यू से डिनोट करेंगे, कोई भी एक सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन द क्या होगा, रेशियो ऑफ लाइट इन द क्या होगा, ऑफ गिवन मीडियम। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज देखो इसको ऐसे एन हम एन यूज करेंगे, ठीक है, एन सिंबॉल यूज करेंगे, केवल तुम कोई भी सिंबॉल यूज कर सकते हो ना, और नहीं मत, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, velocity of light in a medium। तो ये क्या होगा, देखो n is equal to लिखोगे तो क्या लिखोगे, c upon क्या लिखोगे v, ठीक है, c क्या है, velocity of light, v क्या है, velocity of light in free space, और इसका value भी आपको मालूम है कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ क्या होगा, 9 upon क्या होगा, v, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, उस मीडियम के क्या करो, उस मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी है उससे क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पहला ये पॉइंट होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो आरआई डायरेक्ट लिखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम पहला तो क्या होगा, डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड according to Cauchy equation refractive index of any medium is equal to क्या होगा, a plus b upon क्या होगा, lambda square, ठीक है, क्या होगा, a प्लस बी अपॉन क्या होगा, लेमडा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि क्या होगा, एट गिवन फॉर क्या होगा, यदि अलग अलग लाइट a और b क्या है, कांस्टेंट है, जो नेचर ऑफ द क्या होगा, मीडिया पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, a एंड b क्या है, कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडिया, ठीक है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहां से देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। इसलिए देखना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे वाटर का दिया रहता है तो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो एवरेज होता है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बोथ। ऑफकोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पे क्या होगा डिपेंड करेगा ही, क्या होगा तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे, नेचर ऑफ द मीडिया, ठीक है, एंड टेम्परेचर, तीन चीजें पे क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे यहां, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे कि अल्सो क्या होगा, तो देख लो यहां यदि तुम टेम्परेचर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा वेवलेंथ इंक्रीजेस एन क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा दिख रहा है। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है टेम्परेचर, क्या होगा टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां ये याद रखना है कि क्या होगा डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टेम्परेचर ऑफ द क्या होगा मीडिया ऑफ मीडिया है ना, जिससे क्या होगा एस क्या होगा एस टी इंक्रीजेस एन क्या होगा डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और सी जो होगा वो क्या होगा नेचर ऑफ द क्या होगा मीडिया, क्या चीज पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर, क्योंकि हमने यहां एक तो ईयर ही कंसिडर नेचर ऑफ क्या होगा मीडियम, ये ध्यान रखना तीन चीजों पे क्या है डिपेंड करता है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्या होगा ऑफ ए मीडिया या मीडियम, मीडियम इज ए क्या है इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज, देखो यहां गिवन एज, मैं एक पॉइंट और बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होगा इज यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड क्या होगा एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। थर्ड जो पॉइंट है देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट, देखो ये एन क्या होता है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट जब मैं पढ़ा रहा था तो c इज इक्वल टू क्या होता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है म्यूनट एप्सिलन 0, ठीक है। और v लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये बताया था क्या लिखोगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंटू क्या होगा परमियबिलिटी ऑफ द मीडियम, यही होगा क्या, अरे होगा ना। और एक और डेफिनेशन है देखो कि रिलेटिव परमियबिलिटी परमिटिविटी भी क्या होता है म्यू अपॉन क्या होगा आई मीन इप्सिलन अपॉन इप्सिलन नॉट, ठीक है। यहां से देखो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा परमिटिविटी ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं म्यू आर, ठीक है। तो यहां से तुम ये लिख सकते हो, देखो ये सब 10th क्लास में तुम पढ़े हो, एक दो पॉइंट जो है वो नहीं पढ़े हो, नहीं तो 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो इस चीज। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखो, अब एन के बारे में हम लिखें एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू रखो, तो देखो यहां से क्या मिलेगा तुमको सी अपॉन सी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं देखो, ठीक है। इससे मालूम चलता है कि वो नेचर ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, वन अपॉन क्या होगा ये कभी कभी वैल्यू दिया रहेगा, आप यहां से एग्जैक्ट वैल्यू क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये दिया है
रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है, दिस इज क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ क्या होगा, ऑफ मीडियम, ये भी क्या होगा, मीडियम ऑफ मीडियम, एंड दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यहां से आपको मालूम चला कि वो क्या चीज पे, मैंने वहां भी बताया था तुम लोगों को जब वेव पढ़ा रहा था, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां एक पॉइंट बताया था, तो यहां भी क्या होगा, देखो एन जो होगा, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द क्या होगा, मीडियम। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं, वो आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, जिसे देखो यहां कि सम स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसे देखो रिफ्रैक्टिव एवरेज वैल्यू याद रखना है कि एन फॉर क्या होगा, एन एयर इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है, वन होता है, एन वॉटर एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3, ये कौन सा वैल्यू दिया रहता है, एवरेज वैल्यू दिया रहता है, एन क्यों दिया रहता है, इसके वजह से टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मीडियम एंड क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। उसके बाद क्या होगा, एन जी, ये ज्यादा यूज होने वाला है, एन जी इज इक्वल टू क्या होगा, एन जी इज इक्वल टू क्या होगा, 3/ क्या हो जाएगा, 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, एन एयर आई मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3, एन जी का मतलब, जी स्टैंड फॉर ग्लास, आई मीन ग्लास में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा, क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, अब हम एक दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आप जानते हैं, है ना। ठीक है, ए लाइट, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम क्या होगा, एयर टू वाटर, देन फाइंड इट्स स्पीड इन क्या होगा, वाटर। ठीक है, अब देखो अभी यहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, वाटर मालूम होना चाहिए। तो देखो ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर देन फाइंड इट्स स्पीड इन वाटर, तो देखो तो क्या होगा, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन क्या होगा, वी। अब वी इज, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन डब्ल्यू, तो v is equal to c, देखो तो c कितना होगा, 3 × 10⁸ divided by n w कितना है, 4/3, कितना है, 4/3। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो 9/4 into क्या होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको भी लिख सकते हो 4 ठीक है, 4 2 जा और 2, ठीक है, और 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हुआ, क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना हुआ, 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख लो एयर में कितना है, 3 × 10⁸, तो एयर क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्पीड किधर होता है, एयर में ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी आप इसपे न्यूमेरिकल्स खुद से भी कर सकते हो, 9th-10th में तुम पढ़े हो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम पढ़ेंगे अभी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले इसका सिंबल है, थोड़ा सा ही है सिंबल, तुमको क्या है रखना पड़ेगा माइंड में, है ना। तो देखो क्या होगा, रिलेटिव आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो यहां लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम टू इज डिनोटेड, डिनोटेड एज क्या है रिफ्रैक्टिव वन टू, इसको हम क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है टू, क्या पढ़ेंगे हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा टू। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से कि म्यू, सॉरी म्यू नहीं, हमने एन यूज किया है ना, तो एन ही लिख लो, एन टू एन वन टू, एन वन टू ठीक है, यहां लिखेंगे क्या एन वन टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन क्या होगा, एन वन अपॉन क्या हो जाएगा एन टू, ठीक है क्या हो जाएगा एन वन अपॉन क्या हो जाएगा एन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन वन अपॉन एन टू। इसको हम क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सॉरी मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, एन वन अपॉन एन टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन वन को क्या लिख सकते हैं सी अपॉन वी वन क्या होगा, सी अपॉन क्या हो जाएगा वी टू, आई मीन क्या होगा वी टू अपॉन क्या हो जाएगा वी वन, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज डिनोटेड एज क्या है, डिनोटेड एज एन वन टू, एंड मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एन एन टू वन को क्या पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इक्वल टू क्या होगा एन टू अपॉन क्या हो जाएगा एन टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, और ये क्या हो जाएगा सी अपॉन वी टू इन टू क्या हो जाएगा सी अपॉन क्या हो जाएगा वी वन, आई मीन क्या हो जाएगा वी वन अपॉन क्या हो जाएगा वी टू, ठीक है। अब यहां से तुम देख सकते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये डेफिनेशन है, बस ये तुमको क्या है माइंड में रखना है, इसका ज्यादा कहीं सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां एक चीज तुमको ध्यान देना है कि यहां क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन एन क्या होगा एन वन टू, आई मीन एन टू वन इन टू क्या होगा एन वन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा एन टू वन इन टू क्या होगा, आई मीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू क्या होगा वन होगा, तुम इसको यहां से प्रूव कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है माइंड में रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं वहां देखो यहां से नोट में यहां लिख लेना तुम, है ना, कि भाई मुझे बताना चाहिए, देखो यहां क्या होगा देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है, हालांकि आगे ये बताऊंगा लेकिन यहां तुम लिख लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू आई मीन फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी होता है, यही होता है ना। तो देखो हम यहां बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा वेवलेंथ, क्यों फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं देखो वी वन अपॉन क्या होगा वी टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा टू लैम्डा वन, ठीक है कोई डाउट नहीं है ना। और वी वन को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से देख सकते हो तुम वी वन को हम लिख सकते हैं या लैम्डा टू ऐसे लिखो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन क्या लिखेंगे वी वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सी अपॉन
एन टू इंटू क्या लिखेंगे सी अपॉन क्या होगा एन वन, आई मीन एन वन अपॉन क्या हो जाएगा एन टू, ठीक है। ये तुमको क्या करना है माइंड में रखना है। आई मीन हम यहां से बोल सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देख रहे हो ना तुम, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू क्या होगा वी टू अपॉन क्या हो जाएगा, नहीं लेमडा वन वी वन अपॉन वी टू होगा ना, सॉरी वी वन अपॉन क्या हो जाएगा वी टू और एन वन एन टू, तो ए क्या होगा एन टू और एन वन, ठीक है। तो यहां हम बोल सकते हैं क्या होगा कि देखो यहां हम बोल सकते हैं कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन, आई मीन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन। ये तुम नोट में याद रखना कि वेलोसिटी जो क्या होगा ग्रेटर द क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, स्मॉलर विल बी द क्या होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेसर विल बी क्या होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, एंड वाई से वर्सा। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होता है, क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला जो लॉ होगा वो क्या होगा, देखो पहला जो लॉ है तुम लोग ये जानते हो कि यहां क्या है एक इंटरफेस है और ये नॉर्मल हुआ, यहां से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा दिस इज इंसिडेंट रे, अब ये क्या होगा रिफ्रेक्टेड रे, क्या होगा रे जो क्या होगा ये देखो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज इंटरफेस, ये देखो क्या होगा एम वन मीडियम वन और ये क्या होगा मीडियम टू, ठीक है। अब यहां से क्या होगा ये रे इंसिडेंट होगा तो इंटरफेस से क्या होगा हो सकता है ऐसे भी मुड़ जाए, आई मीन नॉर्मल के टुवर्ड्स और नॉर्मल के अवे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा रिफ्रेक्टेड रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, क्या होगा नॉर्मल एट द क्या होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो यहां एक और टर्म लिख रहे हैं, देखो डिफाइन करने के लिए हम क्या मानते हैं कि ई आई का मतलब क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा इंसिडेंट रे, इधर लिख देता हूं क्या होगा ई आई, बाद में लॉ लिखते हैं ई आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ई आर कैप आई स्टैंड फॉर क्या होगा इंसिडेंट, आर स्टैंड फॉर रिफ्रेक्टेड, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है। उसी तरह हम क्या देखेंगे एन कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर along क्या लिखेंगे along normal, क्या लिखेंगे unit vector along normal, unit vector along normal, इसकी जरूरत है बाद में क्योंकि स्नेल्स लॉ जब हम लिखें। अब देखो क्या है फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि क्या होगा इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर क्या होता है कोप्लेनर, क्या होता है कोप्लेनर, क्या होता है
प्लेन, आई मीन इसका मतलब क्या होगा कि दे लाई इन द क्या होगा सेम प्लेन, क्या होगा दे लाई इन द क्या होगा सेम प्लेन, क्या हो जाएगा दे लाई इन द क्या होगा सेम प्लेन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, देखो यहां से तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है इंसिडेंट, क्या होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एट द क्या होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कोप्लेनर, दैट इज दे लाई इन द सेम प्लेन, दे लाइज इन द क्या होगा इन द सेम प्लेन। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं, दैट इज क्या बोल सकते हैं, देखो ई आई डॉट क्या होगा या ई आई क्रॉस क्रॉस ई आर डॉट क्या होगा एन कैप विल बी क्या होगा जीरो, इसलिए बताया था, समझ में आया क्या। इसमें किसी को भी लिख सकते हो तुम, ये तुम लोग पढ़े हो, जो लोग मैथ्स पढ़े हैं उनको ये मालूम है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा आई मीन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया, यहां यूनिट वेक्टर कंसीडर किया। दूसरा जो लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, सेकंड जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा द प्रोडक्ट ऑफ, देखो इसको हम क्या बोलेंगे साइन आई अपॉन क्या होगा साइन आर, तो क्या होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या होगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द क्या होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे फॉर क्या होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ क्या होगा मीडिया या पेयर ऑफ मीडियम द क्या होगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो क्या होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा साइन आई अपॉन साइन क्या होगा आर इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। और इसको यदि देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लें क्या मान लें एन टू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन टू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन वन, तो दिस इज क्या होता है दिस इज इक्वल टू क्या होता है देखो एन टू अपॉन क्या होगा एन वन, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू साइन क्या होगा आर, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्या है स्नेल्स लॉ, इसको हम क्या बोलेंगे स्नेल्स लॉ। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। एन वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू साइन क्या होगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, एन वन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एन टू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा तो पहला क्या है कि फर्स्ट लॉ, अब इसको हम दूसरे तरह से वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, तुम ध्यान दोगे तो हम क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ एन कैप लिखा हूं तो एन से मत, तुम लोग ए और एन और ए एन दोनों सेम नहीं है, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, पहला क्या है कि क्या होगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, आई मीन दे आर को प्लेनर्स। उसके बाद क्या है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड साइन ऑफ क्या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी क्या होगा कॉन्स्टेंट, दिस इज एन टू अपॉन एन वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं रिलेटिव आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं एंड क्या होगा एन वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू साइन आर एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। एक यहां पॉइंट और इसमें मैं लिख देता हूं क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां क्या है कि अब यहां देखो हमें ऐसे ही लिख सकते हैं इसको तो n1 वन साइन क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा n2 टू साइन क्या हो जाएगा r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका थ्रू आउट जब तक हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसका यूज होगा, तो इसको आपको क्या करना है याद रखना। अब देखो n1 वन साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई को क्या लिख सकते हैं बता सकते हो, देखो तो ऐसे साइन लिख सकते हैं एन वन एन वन इन टू क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अरे बोलो ई आई कैप क्रॉस एन कैप का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा एन टू इन टू क्या लिखेंगे ई आर कैप इन टू क्या लिखेंगे एन कैप का मैग्नीट्यूड। ये सही है क्या, अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो वेक्टर वेक्टर को कोरिलेट करके मैंने लिखा है। अब यहां एक पॉइंट इसमें लिखना है नोट में, क्या है नोट में लिखना है, ठीक है। इफ क्या होगा देखो हम जानते हैं इफ थीटा इज क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल, तो हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, और ये भी हम बोल सकते हैं यहां से कि tan theta is nearly equal to sin theta is nearly equal to theta, और क्या होता है cos theta क्या होता है वन होता है, इतना हम जानते हैं। तो हम यदि लिख लें if क्या होगा देखो यदि angle of incidence क्या होगा small होगा, ठीक है ये बात समझ में आया। तो if हम यहां लिख लें if क्या होगा I is very क्या होगा very small, देन क्या होगा आर विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, हेंस हम क्या लिख सकते हैं देखो क्या लिख सकते हैं एन वन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू आर। ये भी क्या है स्नेल्स लॉ है, कब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए बहुत ही छोटा हो जाए पैराएक्सियल रे हो जाए, आगे हम पढ़ेंगे जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां इसको यहां याद रखना है आई और आर को हम क्या चीज में कंसीडर करेंगे रेडियन में, ध्यान रखना। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट इनटू क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड इनटू क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या है फॉर स्मॉल एंगल, ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है कि एन वन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू आर, ठीक है। क्या होगा एन वन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू आर, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे नोट में, ठीक है। तो ये फॉर स्मॉल एंगल याद आया कि यदि आई क्या होगा स्मॉल होगा तो आर भी क्या होगा स्मॉल होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एन वन आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एन टू आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वेन क्या होगा सेकेंड पॉइंट लिखेंगे क्या कि वेन
सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे देखो, इफ क्या होगा, इफ 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 आई इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो आर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये यहां लिख देता हूं, यही लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि इफ क्या होगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मीन इफ आई इज इक्वल टू जीरो, तो आर भी क्या होगा जीरो होगा, दैट इज रे आई मीन लाइट विल क्या होगा, विल ट्रेवल अनडेविएटेड आई मीन इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये रिफ्लेक्टेड है जो मैंने बताया था। ये क्या हुआ आपका इंटरफेस, ये मान लो मीडियम क्या है, मीडियम वन है, दिस इज क्या है मीडियम टू, दिस इज इंटरफेस एंड दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज क्या होगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द क्या होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यदि अनडेविएटेड, यहां डेविएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो एक सेकंड केस था, दूसरा केस क्या है देखो कि इस दूसरा केस में क्या लिखेंगे कि क्या होगा, देखो सेकंड केस हम लिख सकते हैं यहां, अब स्नेल्स लॉ को ही हम यूज करेंगे। सेकंड केस में हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड केस में इफ क्या होगा, इफ आई इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, देन हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा ग्रेजिंग इंसिडेंस, नहीं आई इज जीरो नहीं, आई इज 90 डिग्री, सॉरी ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अब आई जीरो हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ यूज करना है तो क्या हो जाएगा, जिसे देखो यही क्या है, एक मीडियम वन हो गया, ये मीडियम वन, दिस इज मीडियम क्या हो गया टू हो गया, ठीक है। अब कोर्स क्या है, ये इंटरफेस है, यही क्या है नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल। अब यहां नियरली रे जो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे आइडियली ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। तो यहां रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, कुछ बेंड कर जाएगा इधर, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये मान लो कि क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एन 2 इसका है, तो हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन क्या लिखेंगे आर, तो N1 ये तो 1 हो जाएगा यार, इज इक्वल टू क्या होगा N2 साइन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन आर इज इक्वल टू N1 अपॉन क्या होगा N2, या आप देख सकते हो कि पॉसिबल भी कब होगा ये भी तुम बता सकते हो। यहां क्या होना चाहिए, N2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए N1 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और साइन क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ N1 अपॉन क्या लिखेंगे N2। यदि इतने एंगल पे, अब ये डिपेंड करता है कि कितना एंगल होगा, वो कैसे N1 N2 पे डिपेंड करेगा, इतने एंगल पे यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर, सॉरी रे को इंसिडेंस रे यदि रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इंसिडेंस रे ऑलवेज क्या होगा ग्रेजिंग, इंसिडेंट क्या होगा ग्रेजिंग, का मतलब क्या होगा, रे इज पैरेलल टू क्या होगा पैरेलल टू इंटरफेस। तो जब रे क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में आर इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ N1 क्या हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा
एन टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ ये भी हो सकता है कि क्या होगा कि रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। देखो अभी हम एक पॉइंट और नोट में लिख लेना तुम लोग बाद में कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है क्या है, आइदर रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्या होगा, प्लेन होगा और कर्व होगा, सभी के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, वो बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ, देखो देन क्या होगा इफ, या हम लिख सकते हैं कि इफ, इफ क्या होगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, देन क्या होगा देन देन एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्या होगा इंसिडेंस, इंसिडेंस इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या होगा क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, थीटा सी से, क्या है थीटा सी। अब देखो यहां भी ध्यान देना तो है ना, यहां क्या होगा, अब पहले हम स्नेल्स लॉ यूज कर ले यार। तो देखो क्या लिख सकते हैं, साइन एन वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा एन टू साइन क्या होगा आर, तो एन वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा एन टू साइन क्या हो जाएगा 90। तो देखो n1 वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा n2, तो साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा n2 अपॉन n1। यहां ये ध्यान देना है, देखो साइन का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 से क्या होता है छोटा होता है। यहां देखो यहां लिखो दिस इज कॉल्ड थीटा सी, इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या हो जाएगा साइन, इसको आगे पढ़ना है, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा n2 अपॉन क्या हो जाएगा n1। N2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड N1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है फर्स्ट मीडियम, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, देखो इधर आप देखोगे ध्यान से, यही क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी ये मीडियम है, ये M2 मान लो M1, ये M2। अब यदि रे को देखो यहां ये N1 है और ये क्या है N2, और यहां एन वन इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा एन टू, आई मीन रेयर डेंसर की बात होगी। तो देखो यहां क्या हो जाएगा ए रे क्या होगा ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, यही क्या होगा दिस इज कॉल्ड थीटा सी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होंगे क्या होगा इंस क्या होगा इंटरफेस के क्या होता है पैरेलल हो जाते हैं, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा 90, तो ये दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे मोर डिटेल में। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि व्हेन रेज गोज फ्रॉम क्या होगा रेयर टू डेंसर, क्या होगा व्हेन रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फोर्थ पॉइंट लिख लोगे, आई मीन क्या होगा फिफ्थ पॉइंट, व्हेन क्या होगा व्हेन रेज मूव क्या होगा या ट्रेवल फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम डेंसर टू क्या होगा रेयरर, देन इट विल देन क्या होगा देखो अब देखो देन क्या होगा इट विल मूव अवे फ्रॉम क्या होगा it then it move away from its away from normal with respect to क्या होगा with respect to initial path, initial path के respect में क्या होगा a away जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहां ए डेंसर आई मीन ए इंटरफेस है, इसको डेंसर का मतलब क्या होगा व्हेन रेज फ्रॉम डेंसर टू क्या होगा रेयर ए एन वन और ये क्या होगा एन टू, दिस इज एम वन दिस इज क्या होगा एम टू। यहां क्या है ए यहां दिया हुआ है कि एन वन इज ग्रेटर देन क्या हुआ एन, तो ये क्या हुआ डेंसर डेंसर और ये क्या हो जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है। अब यहां ये नॉर्मल है, देखो
यही क्या है इसका इंसिडेंट रे है एंड दिस देखो ये क्या होगा जब क्या होगा ये इनिशियल यदि ये मीडियम नहीं होता तो इसका पाथ क्या होता है ऐसे होता है ऐसे ही होता है ना यार देखो ध्यान से ठीक है अब क्या होगा रे जब क्या होगा डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये क्या होगा अवे फ्रॉम क्या होगा बेंड अवे फ्रॉम क्या होगा इनिशियल पाथ तो दिस इज क्या होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं This is called angle of I and this is called angle of deviation. इसको हम क्या बोलते हैं This is called angle of deviation. क्या होगा R minus क्या हो जाएगा I हो जाएगा. This is called angle of deviation. इसको हम क्या बोलते हैं Angle of deviation बोलते हैं ठीक है तो यहां क्या है रे अब यहां प्रूफ भी कर सकते हो देखो N1 क्या होगा N1 sin I is equal to N2 sin क्या है R. अब यहां N1 upon N2 is equal to लिख सकते हो sin R अपॉन क्या होगा साइन I और ये क्या होगा यार वन से बड़ा होगा क्यों देखो यहां दिया N1 is greater देखो यहां से तो ये क्या हो जाएगा देखो हम लिख सकते हैं R is greater than क्या होगा I तो यहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ R माइनस क्या हो गया I हो गया बाद में हम ग्राफ भी पढ़ेंगे ठीक है तो ये क्या होगा तुम्हारा इंटरफेस उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें मैं वो तुमको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन तो तुम मिरर के बारे में पढ़े थे लेकिन इसके बारे में तुम नहीं पढ़े थे उतने डिटेल में ठीक है तो उसके बाद क्या है फिफ्थ केस क्या है कि व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम क्या होगा रेयरर टू डेंसर तो ये समझ में आया ना ये देखो यही क्या है इनिशियल पाथ इनिशियल पाथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा नॉर्मल से क्या होगा दिस इज नॉर्मल से क्या होगा अवे बेंड होगा ठीक है या बेंड अवे है ना उसके बाद क्या होगा व्हेन देखो व्हेन रे या लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम रेयरर टू क्या होगा टू डेंसर देन इट क्या होगा इट बेंड टूवर्ड्स क्या होगा नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पाथ ठीक है ये आपको क्या करना है ध्यान अब देखो यही क्या है तुम्हारा इंटरफेस अगेन ये क्या हुआ एन वन दिस इज एन टू यहां मैं एन टू इज लेस देन क्या एन टू इज ग्रेटर देन क्या एन वन ठीक है फ्रॉम रेयर टू डेंसर यही नॉर्मल हो गया है ना ये इंटरफेस है ये मीडियम वन मान लो एम वन ये क्या हो गया एम टू तब रे का डायरेक्शन क्या है ऐसे इंसिडेंट रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये पाथ इसका क्या है इनिशियल पाथ है ठीक है अब ये क्या होगा मैंने क्या बताया नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा कब जब डेंसर से रेयरर में तो ये एंगल क्या है देखो ये एंगल दिस इज आई और दिस इज क्या हो गया आर तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां कितना होगा आई माइनस आर होगा क्या होगा आई माइनस आर क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा आई माइनस आर ठीक है दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज क्या होगा रिफ्रेक्टेड रे और दिस इज इनिशियल पाथ ठीक है तो ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आई माइनस आर बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी नहीं थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम डेविएशन का ग्राफ भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वहां हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक है उसके बाद एक और पॉइंट लिख लेना ठीक है कि क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये इतने पॉइंट क्या है तुमको ध्यान में रखना है अभी हम देखो सरफेस कैसा कंसीडर किया है कर्व सरफेस ठीक है सॉरी प्लेन सरफेस हमने कंसीडर किया है कर्व सरफेस तो यहां लिख लेना अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर क्या होगा फॉर प्लेन एज वेल एज कर्व रिफ्लेक्टिंग सर्फेस
दोनों के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। ये ध्यान देना है, क्या है दोनों के लिए, क्या है ध्यान देना है कि ये क्या होगा? वैलिड होगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देकर के बता देता हूँ, देखो ये क्या है कि कर्व्स, ए प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यही है। अब ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, तो हमने कैसे भी रेंडमली रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इसका इनिशियल। यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे है, देखो दिस इज नॉर्मल, ये एन हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज आई, दिस इज क्या होगा, हमने ये मान लिया एन वन है और ये क्या है एन टू है, तो एन टू इज ग्रेटर देन, हमने एन वन मान लिया है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये क्या होगा रिफ्रैक्टेड है। यदि देखो ये क्या होगा कर्व सर्फेस होगा, इधर क्या होगा एन वन, इधर क्या होगा एन टू, दिस इज कॉल्ड क्या होगा पोल बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको पहले वन बाई वन। तो ये तुम्हारा क्या है यहाँ ये प्लेन सर्फेस है, क्या है ये प्लेन, और दिस इज कर्व, तो किसी के लिए भी यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देखो, तो यहां क्या होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यार, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, इसके लिए भी क्या होगा रे क्या होगा यही सेंटर, अब ये सी हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, तो इधर से क्या होगा देखो यहां से यदि रे ऐसे जा रहा है यही क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा। अब ऐसे भी आप सोच सकते हो ये भी नॉर्मल होगा, ये पोल होता है, अब ऐसे रे आ रहा है ऐसे, ठीक है, ए एन टू यहां मान लो कि क्या होगा, अब ये क्या होगा ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होगा अब ये बेंड हो सकता है ऐसे, ये इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हुआ ये तुम्हारा इनिशियल पाथ हो गया, और डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है, तो दिस इज क्या हुआ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज क्या हुआ रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां एक चीज ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा आइदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो प्लेन हो और कर्व हो सबके लिए क्या होता है वैलिड होता है, क्या होता है वैलिड होता है, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे या लैटरल डेविएशन, और फिर इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू क्या होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आया, इतने पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, इसी का क्या है यूज है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।